नमस्ते दोस्तों, कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 17 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सांख्यिकी, जिसमें हमको माध्य माध्यक और बहुलक के बारे में पढ़ना है। माध्य माध्यक और बहुलक में इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला आपके होता है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरे होते हैं खंडित श्रेणी, और तीसरी है अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी, इसमें भी हमको माध्य माध्यक बहुलक ज्ञात करना है। माध्य माध्यक बहुलक ये तीनों ज्ञात करने हैं। इसमें भी माध्य माध्यक बहुलक ये ज्ञात करना है। माध्य माध्यक और बहुलक, इसमें वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन आते हैं। वर्ग अंतराल व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर सिंपल संख्या लिखी हुई होती है। व्यक्तिगत श्रेणी में जैसे कोई x का मान दिया हुआ, केवल x दिया हुआ होता है, जैसे कोई 5, 7, 6, 4, 2 या फिर इसके साथ में सीरियल नंबर या रोल नंबर आदि ऐसे कोई संख्या लिखी हुई होती है। इसमें x के मान के साथ में f का मान भी दिया होता है। x और f का मान, दोनों का मान दिया होता है, और इसमें वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन आते हैं। अब हम एक एक करके माध्य माध्यक और बहुलक के बारे में समझेंगे। सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला, है माध्य बराबर, माध्य को लिखते हैं x बार आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, जैसे अंक गणित के अंदर हम पढ़ते हैं औसत के बारे में, औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसी प्रकार सांख्यिकी गणित के अंदर माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। और माध्यक माध्यक या माध्यिका बोलते हैं इसको। माध्यक होता है n प्लस 1 बटा 2 वा पद, n प्लस 1 बटा 2 वा पद। अपनी किताब में दो फॉर्मूले, एक सम का, सम संख्या होने का, और एक विषम संख्या होने का। हम एक फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन कर देंगे। और तीसरा है बहुलक। बहुलक होता है बहुलक व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर बहुलक जो संख्या सबसे ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा बार आती है, वही उसका बहुलक होता है। ठीक है, इसमें अब माध्य के खंडित श्रेणी या अखंडित श्रेणी के अंदर माध्य निकालना है। तो माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। खंडित श्रेणी के अंदर माध्य निकालने की तीन विधियां हैं। कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य बराबर
ए प्लस, ए होता है एजिम नंबर, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ, जहाँ डी बराबर, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। और दूसरी तीसरी विधि है पद विचलन, पद विचलन या पग विचलन भी बोलते हैं इसको। पद विचलन विधि में माध्य ज्ञात करने के लिए ए प्लस सिग्मा एपीओ, सिग्मा एपीओ अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच होता है। यहाँ पे U का मान होता है U बराबर x माइनस ए अपॉन एच, ये U का मान होता है। अब हम वर्ग अंतराल के अंदर माध्य, माध्यक और अखंडित श्रेणी के अंदर हमको माध्यक और बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला, जो कि बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, माध्यक और बहुलक या फिर माध्य माध्यक या माध्यक माध्य बहुलक। माध्य ज्ञात करना है माध्यक या माध्यका, इसको एम से डिनोट करते हैं। एम बराबर होता है एल प्लस एन बट्टा दो माइनस सी एफ, या फिर यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं, अपॉन एफ इंटू एच, ये माध्य का फॉर्मूला है। और बहुलक, बहुलक जेड बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, एफ वन माइनस एफ जीरो ऊपर लिखना है, फिर इसी प्रकार एफ वन माइनस एफ जीरो नीचे भी लिखना है। आगे वाले एफ वन को करना है 2 से इंटू, और माइनस करना है एफ टू इंटू अंतराल एच, ये बहुलक का फॉर्मूला है। इन दोनों के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, माध्य या बहुलक दोनों साथ में भी आ सकते हैं, या फिर माध्य माध्य और माध्यक या माध्य और बहुलक, ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर के आते हैं, 3-3 नंबर में दोनों। अब हम एक क्वेश्चन लेके समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको प्राप्तांक दे रखे हैं, प्राप्तांक ये वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और छात्रों की संख्या दे रखी है 4, 28, 42, 20, 6। इसमें आपको माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ज्ञात करने हैं, माध्य माध्यक और बहुलक तीनों ज्ञात करने हैं। इसके लिए हम सबसे पहले माध्य ज्ञात करेंगे, पहला माध्य, माध्य के अंदर सबसे पहले हमको ये टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में पहला मान होता है जो भी आपके वर्ग अंतराल दे रखा है, यहाँ पे लिखा जाता है वर्ग अंतराल वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं। इसी प्रकार एफ में बारंबारता, एफ को बोलते हैं बारंबारता, 4, 28, 42, 20, 6, ये बारंबारता दे रखी है। अब इसके अंदर हमको क्या है कि x का मान नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हम x ज्ञात करेंगे। x ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग 2, या इन दोनों के बीच में जो संख्या आती है वही उसका x होता है। 0 और 10 को हम जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 10, 10 में 2 का भाग देंगे, 10 के आधे कितने होते हैं, 5। अब हमको इस प्रकार से सभी कर सकते हैं, 20 और 10 को जोड़ेंगे 30, और 30 के आधे होते हैं 15,
या फिर जो एक संख्या ज्ञात होने के बाद में जो वर्ग अंतराल है 10-10 का, हम 10-10 आगे जोड़ते रहेंगे, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, और 25 में 10 जोड़ेंगे 35, और 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। ये हमारे पास x का मान आया। अब हम fx ज्ञात करते हैं, चार इंटू पाँच एफ एक्स, यानी इन दोनों का गुणा करना है, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20, 15 को 8 से गुणा करेंगे, 15 आठ 120, 120 के 0 असल के 12, 15 दूना 30, 30 और 12 42, 25 दूना 50 का 0 असल के 5, 2500 का 100, 100 और 5 105, यहाँ पे 35 दूना 70 और 10 का 10, 6 5 30 का 0 असल के 3, 6 26, 26 और 3 27, 6 5 30 30 का 0 असल के 3, 6 26, 26 और 3 27। अब हमको यहाँ पे इनका टोटल करना है, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ याद करना है, इन सब का टोटल करेंगे। देखो टोटल हमको यहाँ से पहले हमको ये क्रम से लिखना है, और टोटल करना कैसे है, पहले सबसे पहले इकाई अंकों को जोड़ना है, इकाई 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20, 20 का 0 असल के 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, यानी सिग्मा एफ का मान है 100। इसी प्रकार सिग्मा एफ एक्स का मान है, सिग्मा एफ एक्स इसको भी जोड़ना है। सबसे पहले हम इकाई इकाई अंक जोड़ेंगे, तो सब सबका इकाई अंक 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने। अब दूसरे दाई अंकों को जोड़ेंगे, 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 का 6 असल का 1, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 का 4 असल का 1, 1 और 1 2, ये सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया। अब हमको माध्य ज्ञात करना है, पहले माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर, माध्य का फॉर्मूला मैंने बताया था पहले बेसिक में, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बराबर, सिग्मा एफ एक्स का मान है 2460 बटा सिग्मा एफ का मान है 100। 10 से 10 कट जाएगा। अब हम नीचे 10 है तो हम ऊपर एक संख्या बाद, 10 है तो एक संख्या बाद में हम पॉइंट लगा देंगे, तो इसका 24.6, यानी हमारे पास माध्य का मान 24.6 आया। अब हम माध्य ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए अब हम माध्यक देखेंगे, माध्यक M के लिए पहले हम वर्ग अंतराल लिखेंगे, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दे रखी है हमको 4, 28, 42, 20 और 6, ये बारंबारता दे रखी है। अब माध्यक के अंदर हमको संचयी बारंबारता CF ज्ञात करनी पड़ती है। संचयी बारंबारता आसान है, सबसे पहले इस संख्या को ऐसा कैसा लिखते हैं, 4 को 4 लिखा, इसमें ये जोड़ेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे, जोड़ के इसको यहाँ पे लिखेंगे, 28 और 4 को जोड़ेंगे 32 होगा, यहाँ पे लिख दिया 32, फिर 32 और 42 को जोड़ेंगे, 32 और 42 को जोड़ेंगे, 4, 3 और 4 7, 74 में 20 जोड़ेंगे, 4 और 0 को जोड़ेंगे 4, 7 और 2 जोड़ेंगे 9, और 94 में 6 जोड़ेंगे तो
हंड्रेड, सौ। अब यहाँ पे एन का मान है सौ, यानी यहाँ पे जो मान आता है इनको जोड़ा है तो ये इनका टोटल सौ है, तो ये भी टोटल सौ लिख दिया। अब हम सबसे पहले m ज्ञात करेंगे, m बराबर n बट्टा दो, n का मान है 100, 100 बट्टा दो है बराबर 50, m का मान 50 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 50 से ठीक चढ़ी ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74 है, यानी 72 है, तो हमारा ये बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग या एम ग्रुप भी बोलते हैं, एम ग्रुप है 20 से 30, अब एम ग्रुप में L का मान माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी L बराबर इसमें होगा 20, माध्यक का फॉर्मूला है माध्यक बराबर, माध्यक M बराबर L प्लस N बट्टा दो माइनस CF अपॉन F इंटू एच बराबर, L का मान है 20, L की जगह मैंने 20 लिख दिया, प्लस N बटा दो, N बटा दो का मान ये ज्ञात किया 50, 50 माइनस CF का मान है, CF का मान है, CF होता है माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाली बारंबारता CF 32, बॉन F, F का मान 42, यानी माध्यक वर्ग के अंदर जो F का मान होता है वो F होता है, यहाँ पे आएगा 42 इंटू अंतराल, अंतराल यानी इन दोनों के बीच का अंतर है 10-10 का अंतर है, तो यहाँ पे अंतराल आएगा 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 20 प्लस 50 में से 32 आएगा, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 3 गया 1, बट्टा 42 इंटू 10। अब विभाज्यता के नियम के अनुसार इन दोनों को हम काट सकते हैं, 2 से विभाज्य है, तीन से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है, 6 18 6 7 42 बराबर 20 प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बट्टा 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7 4 6 28 दो रहेगा, 2 और 20 7 2 14 6 रहेगा, 7 8 56 20 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 20 प्लस 4.28 एम बराबर हो जाएगा 24.28। ये हमारा माध्यक का मान आएगा 24.28। अब ये माध्यक का मान यदि इन दोनों के बीच में
20 और 30 के बीच में है, तो ये एकदम राइट है। अब हम मौलिक ज्ञात करेंगे। मौलिक मौलिक को लिखते हैं जेड से। अब हमको जो क्वेश्चन के अंदर वर्गंतराल और ये जो एफ का मान दे रखा है, ऐसा कैसा लिखना है? पहले वर्गंतराल है, वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और एफ का मान दे रखा है 4, 28, 42, 20, 6। ये हमको एफ का मान दे रखा है। अब बहुलक, इसमें जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो होता है हमारा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग होगा 20 से 30। बहुलक वर्ग के अंदर ये होता है एफ वन, और एफ वन के ठीक ऊपर एफ जीरो, और एफ वन के बाद में आता है एफ टू। अब हम बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। बहुलक का फॉर्मूला याद रखने का है एल प्लस, बहुलक का फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो पहले ऐसे लिखना है एफ वन माइनस एफ जीरो, एफ वन माइनस एफ जीरो, ऐसा कैसा नीचे भी लिखना है एफ वन माइनस एफ जीरो, ये दोनों समान है। फिर आगे वाले को करना है दो से गुणा और पीछे वाले में से घटाना है एफ टू और इंटू अंतराल एच। ये है बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक वर्ग या जेड ग्रुप, बहुलक वर्ग बराबर 20 से 30, और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा वो होती है एल, एल बराबर होगा 20। अब हमको यहाँ पे और अंतराल होगा हमारा, अंतराल 10 10 का अंतराल है तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। जेड बराबर एल का मान निम्न सीमा 20 प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, एफ वन का मान है 42 और एफ जीरो का मान है 28, 42 माइनस 28, ऐसा कैसा हम नीचे भी लिखेंगे 42 माइनस 28, आगे वाले को दो से गुणा और पीछे वाले में से एफ टू घटाना है, एफ टू का मान है 20 यहाँ से, तो ये आएगा 20 इंटू अंतराल 10। जेड बराबर 20 प्लस 42 में से 28 घटाना है तो 42 में 28 जाएंगे 14, और इसको दो से गुणा करेंगे, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, 84 माइनस 28 और 20 को जोड़ेंगे 8, 4, 8, 48 इंटू 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बराबर 20 प्लस 14 बट्टा 84 में से 48 को घटाना है, 14 में से 8 जाएगा 6 रहेगा, और यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा 3 इंटू 10। जेड बराबर 20 प्लस, ये दोनों कट जाएंगे 2 के पहाड़े से, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 8 16, 7 को 10 से गुणा करेंगे 70, और ये 18 का ये भी कट जाएगा, 2 5 10, 2 9 18, 7 को 5 से गुणा करेंगे 7 5 35, 35 बट्टा 9। अब ये दोनों कट जाएंगे, 9 एकम 9, 9 3 27, 9 3 27,
सत्ताईस और तीन और पाँच आठ, आठ जीरो अस्सी, नौ आठे बहत्तर, आठ रहेगा नौ आठे बहत्तर, बीस में तीन पॉइंट आठ आठ जोड़ेंगे तो जेड बराबर, जेड बराबर तेईस पॉइंट आठ आठ, अर्थात बहुलक का मान तेईस पॉइंट आठ आठ आएगा। ठीक है, ये हमारे बहुलक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छः नंबर के क्वेश्चन आता है। धन्यवाद।